हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल वर्क 29। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ फिटिंग्स के नाम बताऊंगा। जैसे कुछ नए लोग होते हैं काम करने के लिए जाते हो, तो उनको कुछ कुछ फिटिंग्स का नाम नहीं मालूम होता है, तो वही मैं आज पाइपिंग से रिलेटेड फिटिंग्स के नाम बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है एल्बो। पहला वाला 90 डिग्री का एल्बो है और दूसरा 45 डिग्री का एल्बो है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट रेडियस और एक लॉन्ग रेडियस। और ये सब भी देखिए, एल्बो ये है, बस इसमें डिग्री का फर्क है। एक 90 डिग्री का एल्बो है, दूसरा है 45 डिग्री का एल्बो, और तीसरे को बेंड भी बोलते हैं या 180 डिग्री का एल्बो भी बोलते हैं, कहीं कहीं रिटर्न भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आप देखेंगे नीचे 60 डिग्री का एल्बो है और 120 डिग्री का एल्बो भी है। और ये देखिए, ये है टी, इसको टी बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, इक्वल टी और रेड्यूसिंग टी। और ये है रेड्यूसर, इसमें भी दो टाइप का होता है, एक एक्सेंट्रिक रेड्यूसर होता है, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर। और ये देखिए, ये है क्रॉस, इसको कहीं कहीं पे क्रॉस बोलते हैं और कहीं कहीं पे क्रॉस टी भी बोलते हैं, क्रॉस टी। और ये है कपलिंग, इसको कपलिंग बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप का आता है, फुल कपलिंग और हाफ कपलिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है फुल कपलिंग और ये है दूसरा वाला हाफ कपलिंग, ये आपका हाफ कपलिंग। और ये देखिए, ये सब है कैप, इसको कैप बोलते हैं, जो एक सिरे को बंद करने के काम में आता है, किसी भी मतलब पाइप हो या कोई वेल्डोलेट या निपोलेट हो, उसको एक सिरे को बंद करने के लिए काम आता है, इसको कैप बोलते हैं। और ये हो गया दोस्तों आपका प्लग, इसको प्लग बोलते हैं, ये भी बंद करने के ही काम में आता है, जैसे वेल्डोलेट, सॉकेलेट, कुछ भी हो गया, वेल्डोलेट या थ्रेडोलेट, उसमें ये एक तरफ से लगा के आप बंद कर सकते हैं, उसको प्लग बोलते हैं इसको। ये सारे भी प्लग्स हैं, अब देख सकते हैं अलग अलग टाइप के प्लग्स हैं यहाँ पे, इन सारों को प्लग बोल सकते हैं आप। और ये देखिए, इसका नाम है निप्पल, इसको निप्पल बोलते हैं। निप्पल के और भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसे कि इसमें देखिए, बैरल निप्पल, क्लोज निप्पल, होस्ट निप्पल, हेक्स निप्पल और वेल्डिंग निप्पल। तो इस तरह से ये सारे निप्पल की कैटेगरी में आते हैं, निप्पल बोलते हैं इसको। और ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं वेल्डोलेट। वेल्डोलेट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि एक साइड ब्रांच ये वेल्डिंग हो जाता है ब्रांच में, और दूसरे साइड में जो है पाइप या कुछ एल्बो जो भी आपको लगाना है वो लगा के वेल्डिंग कर सकते हैं, इसके लिए इसको वेल्डोलेट बोलते हैं। और ये देखिए, ये है थ्रेडोलेट, इसको थ्रेडोलेट बोलते हैं क्योंकि इसमें एक साइड में तो आप ब्रांच लगा के वेल्डिंग कर सकते हैं नीचे में, उसके बाद ऊपर से आप थ्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको जो भी लगाना है वाल या पाइप का, तो उसको आप थ्रेड के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है सॉकेट, इसको सॉकेट बोलते हैं क्योंकि इसमें एक साइड में सॉकेट बना होता है, ताकि आपको जो भी इसमें लगाना है, उस पाइप हो या कुछ भी हो, उसमें अंदर थोड़ा जाने के बाद आप ऊपर से वेल्डिंग कर सकते हैं, सॉकेट इसमें दिया रहता है, इसलिए इसको सॉकेट बोलते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, सॉकेट को लगा के वेल्डिंग कर दिया गया है पाइप से, उसके बाद उसमें पाइप डाल के आप उसमें ऊपर से भी वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको बोलते हैं निप्पोलेट,
या निपो फ्लांज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बैरल निपल जैसा इसको शेप मिला हुआ है, इसके लिए इसको निपो फ्लांज बोला जाता है। और अब लास्ट में मैंने आपको कुछ फ्लांचेस के बारे में भी बताया, उसका नाम बताया, जैसे कि वेल्ड नेक फ्लांच हो गया, स्लिप ऑन फ्लांच हो गया, लैप जॉइंट फ्लांच, और उसके बाद स्क्रिप्ट फ्लांच, फिर ब्लाइंड फ्लांच, उसके बाद स्पेक्टिकल ब्लाइंड फ्लांच। ये सारे फ्लांच की वैरायटी हैं और मैंने फ्लांच के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको फ्लांच के बारे में मालूम करना है तो आप मेरा वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।